हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मार्च तक पर। तो फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड चकरदरपुर डिवीजन की तरफ से अभी एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। काफ़ी कैंडिडेट को परेशानी हो रही थी कि ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए और कैसे बनवाए और क्या अटेस्टेशन फॉर्म दो लेकर जाना है और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके रिगार्डिंग में बहुत सारे क्यूरी आ रही थी। तो फ्रेंड्स, अभी इन्होंने इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है। तो जो भी कैंडिडेट चकरदरपुर डिवीज़न में ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर इस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को देख कर जाए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है, सारी चीज़ों को डिटेल्स में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड के चकरदरपुर डिवीज़न का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन्होंने एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है फ्रेंड्स। तो इस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या मेंशन किया है। तो आइए डाउनलोड करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने अभी मेंशन किया है। तो एक नंबर पॉइंट देख लीजिए फ्रेंड्स, द कैंडिडेट टू ब्रिंग द डाउनलोड कॉपी ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग के समय नियुक्ति के प्रस्ताव की डाउनलोड कॉपी साथ लानी होगी। तो आप लोग नियुक्ति के जो भी प्रस्ताव के डाउनलोड कॉपी आप लोग अपने साथ कैरी करके ले लीजिएगा। जो भी आप लोगों को ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर जो है वो डाउनलोड करके लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, दो नंबर में उन्होंने मेंशन किया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द लास्ट इंस्टीट्यूशन स्टडीज देयर आफ्टर द सेम टू बी अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि करेक्टर सर्टिफिकेट इन लोगों ने इनक्लोज किया है मेल में, ये आप लोग देख लीजिएगा। और वहाँ पर जो भी आप लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट बनाइएगा तो उसमें एक करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को स्कूल से या कॉलेज से जो भी लास्ट एजुकेशन होगा वहाँ के प्रिंसिपल और हेडमास्टर हो गए उनसे आप लोग जो भी उनका सील और मुहर लगवा लीजिएगा। उसके बाद उसके नीचे जस्ट नीचे आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से भी अटेस्टेड करा लेना है और उनको वहाँ पर सील और मुहर लगवा लेना है फ्रेंड्स। तो उसके बाद तीन नंबर में इन्होंने मेंशन किया, टू करेक्टर सर्टिफिकेट टू बी साइन विथ बाई टू डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर नोइंग द कैंडिडेट फॉर नॉट लेस देन वन ईयर। तो फ्रेंड्स, दो करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को बनाना है, दो डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। और जब डेट मेंशन कीजिएगा तो फ्रेंड्स वहां पर डेट एक ईयर से अधिक का डेट मेंशन मत करवाइएगा, एक ईयर से कम का डेट मेंशन करवाइएगा जो कि एक आप लोगों को वहाँ पर मेंशन कराना है डेट। उसके बाद चार नंबर में आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मेंशन किया, द अटेस्टेशन फॉर्म पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज टू बी फिल्ड अप इन डुप्लीकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू बी अफिक्स्ड एट द स्पेस प्रोवाइड एंड टू बी सिग्नेट साइन बाई द कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया गया सत्यापन प्रपत्र जो कि अटेस्टेशन फॉर्म है, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की दो प्रति से भरा जाना है कि दो अटेस्टेशन फॉर्म फ्रेंड, एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होगा। तो फ्रेंड्स, दो सत्यापन प्रपत्र पुलिस रिपोर्ट के लिए भरा जाना है फ्रेंड्स। उसके बाद जो भी अटेस्टेशन फॉर्म में जगह दिया गया है वहाँ पर आप लोग अपना जो 5x7 आकार का जो फोटो होगा वो बनवा कर वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स और वहाँ पर आप लोगों का सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद पाँच नंबर में यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, द कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग। तो फ्रेंड्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन किया है अभी हम लोग देखेंगे कि आगे जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन किया है और ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को लेकर जाना है और प्रस्तुत करना है। जब ज्वाइनिंग के समय आप लोग जाइएगा तो डीपीओ में वो सारे डॉक्यूमेंट्स सारे सर्टिफिकेट देखेंगे फ्रेंड्स, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ITI और जो कास्ट सर्टिफिकेट है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाइएगा। उसके बाद बैंक पासबुक है वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद छः नंबर में उन्होंने मेंशन किया, टू ब्रिंग 5 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। तो पाँच पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ भी आप अपने साथ लेकर जाइएगा। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन किया है उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा वहाँ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया है। एक नंबर पॉइंट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कैंसल चेक। तो आप लोग जो भी है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स खुलवा लीजिएगा और चेक का फैसिलिटीज ले लीजिएगा और कैंसल चेक लेकर जाइएगा। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म फ्रेंड्स, तो ड्यूली फील्ड आप अपने साथ फील्ड करके अटेस्टेशन फॉर्म ले लीजिएगा दो कॉपी। और उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग लेकर जाना है। उसके बाद ओथ
जो भी है ओथ का लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके बाद मैंडेट फॉर्म जो मैंडेट फॉर्म है फ्रेंड उसको भी बनवा लीजिएगा बैंक से। उसके बाद आधार कार्ड लेकर जाना है। उसके बाद 7 और 9 को छोड़ देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, तो 7 नंबर छोड़ दीजिए। उसके बाद पैन कार्ड लेकर जाना है और उसके बाद 9 नंबर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 10 नंबर देखें तो फ्रेंड यहाँ पर लास्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो PDF बनाकर लेकर जाना है फ्रेंड। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोग लेकर जाइएगा। उसके बाद अगर बात करें 11 नंबर में तो ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर शेड्यूल्ड। तो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग कैरी करके लीजिएगा। उसके बाद 12 नंबर में उन्होंने मेंशन किया ऑल कैंडिडेट मस्ट टू वियर मास्क टू यूज़ सैनिटाइज़र। तो मास्क और सैनिटाइज़र भी आप लोग कैरी करके ले लीजिएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।